गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं वागेश्वरी ग्रुप ट्यूशन से निशान मांडलिया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टू उसका पार्ट टू। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वन पार्ट वन में मैंने आपको ऑलरेडी फिक्स ओवरहेड वेरिएंस समझा दिया था, जिसका वेटेड 14 मार्क का है। ये या तो अब ये सेल्स वेरिएंस समझा लो, दोनों में से एक है वो 14 मार्क में कंपलसरी आने वाला है। फिक्स ओवरहेड पूरा फॉर्मूला के साथ और एक प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ मैंने समझा दिया है। Now we move to the next part of this chapter, sales variance. Clear? अब sales variance. जो बच्चों ने मेरा standard costing one में part one देखा है, जिन बच्चों ने मेरा standard costing part one देखा है, वहाँ पे मैंने material variance समझाया था। कौन सा समझाया था? Material variance. मैंने material variance समझाया था। तो material variance में AQMAP, AQMSP, AQSMSP, SQSMSP ये चारों जो है जो मटेरियल वेरिएंस में था वही आपको ऊपर सेल्स वेरिएंस में लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पार्ट वन में मैंने मटेरियल वेरिएंस समझाया था। वहां पे टू टाइप ऑफ रॉ मटेरियल में AQMAP, AQMSP, AQSMSP, SQSMSP ये जो चारों है वो यहाँ पे रिपीट होंगे। क्या होंगे? रिपीट। तो उसका मतलब मटेरियल वेरिएंस पूछा या फिर सेल्स वेरिएंस पूछा, फर्स्ट फोर विल बी सेम एज मटेरियल वेरिएंस टाइप्स AB 1 2 3 4। अब AQMAP, AQMSP, AQSMSP, SQSMSP ये आपको चारों लिख देना है, सेम एज मटेरियल वेरिएंस जो मैंने डिस्कस किया था। जो बच्चों मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनको कंपलसरी पार्ट वन देखना कंपलसरी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ये पार्ट समझ नहीं पाएंगे, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। क्लियर? अब नीचे है वो आपका चेंज हो जाएगा टाइप्स AB, सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल प्राइस वेरिएंस को बोलते हैं शॉर्ट पे SPV। सेल मिक्स वेरिएंस उसको बोलते हैं SMV। सेल सब वॉल्यूम वेरिएंस SSVV। सेल वॉल्यूम वेरिएंस SPV। और लास्ट में SPV यानी कि सेल्स वैल्यू वेरिएंस। इज दैट क्लियर? इसके फुल फॉर्म है पहले SPV, फिर SMV, फिर SSVV, फिर SVV और फिर SPV। ये आपका हो जाएगा सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल मिक्स वेरिएंस, सेल सब वॉल्यूम वेरिएंस, सब वॉल्यूम वेरिएंस और सब वैल्यू वेरिएंस। इज दैट क्लियर? ये आपको चारों पहले लिखना है तो आपको ये फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह आप फुल फॉर्म और इस सर आप पहले फॉर्मेट लिख लो, बाद में सॉल्यूशन स्टार्ट करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था पार्ट वन में, एम है वो कौन से रेशियो में होता है? AQ के रेशियो में। एम कौन से रेशियो में होता है? AQ के रेशियो में। और जो SM है वो कौन से रेशियो में होता है? SQ के रेशियो में। एम एक्चुअल मिक्स के रेशियो में होता है, एम एक्चुअल क्वांटिटी के रेशियो में होता है और स्टैंडर्ड मिक्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में होता है। क्वेश्चन में जो आपको जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसके रेशियो में डिफरेंस करना है और स्टैंडर्ड मिक्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो शॉर्ट में अभी याद रख सकते हो, एम AQ के रेशियो में, SM SQ के रेशियो में। जो मैंने मटेरियल वेरिएंस में पॉइंट समझाया था वही पॉइंट यहां पे लागू पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इस तरह फॉर्मेट याद कर लो और हम एक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये समझ में जाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 13, आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 13 है। इलस्ट्रेशन नंबर 13, फिगर सेल बाय कंपनी इन मार्च 2013 आर एस फॉलो। फिगर सेल बाय कंपनी इन मार्च 2013 आर एस फॉलो। फिगर सेल दिया है कंपनी का मार्च 2013 का एस फॉलो। उसमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल, सबसे पहले किसका डेटा है? स्टैंडर्ड का डेटा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और अमाउंट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए और बी है और स्टैंडर्ड प्राइस ए और बी का दिया है। फिर एक्चुअल, एक्चुअल का क्वांटिटी और प्राइस दिया है, एक्चुअल का प्राइस दिया है और अमाउंट दिया है। कैलकुलेट सेल वेरिएंस, अब क्या करना है मुझे? कैलकुलेट करना है सेल्स वेरिएंस। अब सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस, और नीचे लिखा है कैलकुलेट सेल वेरिएंस। क्या दिया है? कैलकुलेट सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस है तो सबसे पहले आप सेल्स वेरिएंस का फॉर्मेट बना दो, AQMAP, AQMSP, AQSMSP, SQSMSP, नीचे SPV, SMV, SSPV, SPV और SPV, ये पहले फॉर्मेट बना दो। क्या करो आप? फॉर्मेट बना दो। इज दैट क्लियर? और फॉर्मेट बनाने के बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करो। सबसे पहले फॉर्मेट में AQ आप देख सकते हो एक्चुअल में जाना है
और एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 1200, कितनी है 1200, एक्चुअल में क्वांटिटी टोटल कितना है 1200, सेम एक्यू टोटल क्वांटिटी कितना है 1200, सेम एक्यू टोटल क्वांटिटी कितना है 1200, और एसक्यू यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल कितना है 1000. इज दैट क्लियर? पहले ये लिख लीजिए, एक्यू 1200, एक्यू 1200, एक्यू 1200 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000. इज दैट क्लियर? फिर एम, मैंने बोला था एम का रेशियो, एम का रेशियो किस पे लेना है, एक्यू. एक्चुअल में क्वांटिटी में आ जाओ, ए और बी, इसका 750 है और इसका 450. एक्चुअल क्वांटिटी एम रेशियो, एक्चुअल में इस रेशियो किस में होता है, एक्चुअल क्वांटिटी में होता है. एक्चुअल क्वांटिटी 750 और 450 दिया है. अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो आप इसका रेशियो निकाल सकते हो. इसका जो रेशियो है वो 5:3 आएगा. कैसे? 15 × 5 = 15 × 3. इज दैट क्लियर? तो आपको ये रेशियो मिल जाएगा, यानी कि एक्चुअल में इस रेशियो मेरा कौन सा है 5:3. कौन सा है? 5:3. वैसे स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में निकलता है. स्टैंडर्ड में जाओ और क्वांटिटी में, किसमें जाओ, क्वांटिटी में. क्वांटिटी में जाओगे तो ए और बी का क्वांटिटी 800 और 200. क्या है? 800 और 200. इसका रेशियो निकालना है 4:1. तो इसका जो रेशियो 4:1 आएगा. कितना आएगा? 4:1. अब आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है. 1200 एम के रेशियो में, एम रेशियो कितना आया 5:3. तो यहां पे लिख दो एम है एक्चुअल क्वांटिटी 1200 में 5:3 में डिवाइड करूंगा. फिर एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स में रेशियो में, एक्चुअल मिक्स रेशियो कौन सा है 5:3, उसमें डिवाइड करूंगा. फिर एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो, स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो कितना है 4:1, तो 4:1 में डिवाइड करूंगा. समझ में आ रहा है? एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो, स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000 कौन से रेशियो में, स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो में. स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो है आपका 4:1. इतना क्लियर? इस तरह आपको करना है 1200 5:3 एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स के रेशियो में, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी मैंने 1200 लिख दिया और एक्चुअल मिक्स रेशियो मेरा कितना है 5:3. फिर एक्चुअल क्वांटिटी मैंने 1200 लिख दिया, एक्चुअल मिक्स रेशियो 5:3. फिर मैंने एक्चुअल क्वांटिटी 1200 लिख दिया और स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो 4:1. स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने लिख दिया 1000 और स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो 4:1. इज दैट क्लियर? इस तरह लिख दो और फिर आप कैलकुलेशन स्टार्ट करो. सबसे पहले 1200 को 5:3 में डिवाइड करना है. 1200 × 5/8 तो आपका जो है वो 750 आएगा. वैसे ही 1200 × 3/8 तो 750. 1200 × 5:3 में तो सेम आएगा, 1200 × 5/8 तो 750 और ये 450. फिर एक्चुअल क्वांटिटी 1200 है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 1200, वो 4:1 में, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टैंडर्ड मिक्स में. तो 1200 × 4/5 960, 1200 × 1/5 240. फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 1000, वो 4:1 में, तो 1000 × 4/5 तो 800 आएगा और ये आएगा 200. क्लियर? तो इस तरह आप लिख सकते हो 1200 को 5:3 में, 1200 को 5:3 में, 1200 को 4:1 में, 1000 को 4:1 में. इतना कर लिया. फिर एक्चुअल प्राइस आप देख सकते हो, एक्चुअल में ए का प्राइस कितना है 3.5, बी का कितना है 4, एसपी स्टैंडर्ड प्राइस ए का कितना है 3, बी का 5, स्टैंडर्ड प्राइस ए का 3, बी का 5, ए का 3 और बी का 5. इज दैट क्लियर? सबसे इजी है, सबसे पहले आप एक्यू लिख लो, एक्यू लिख दो, एक्यू लिख लो, फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख दो और फिर एम है वो एक्चुअल क्वांटिटी के रेशियो में और स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड मिक्स में रेशियो में डिवाइड करो और एपी के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका इजीली सम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा. अब 750 × 3.5 2625, 450 × 4 1800, 750 × 3 2250, 450 × 5 2250, 960 × 3 800 × 3 2440 और 200 × 5 यानी कि 1000. इज दैट क्लियर? इस तरह आपका मल्टीप्लीकेशन करना है. अब
एसपीवी, एसएमवी, एसएसवीवी, एसपीवी, एसपीवी फाइंड करना है। 2 माइनस 1 यानी कि राइट माइनस लेफ्ट, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 2, 4 माइनस 1, इस तरह आपको कैलकुलेशन करना है। सबसे पहला 2 माइनस 1, 2 टू 50, माइनस 2625, तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस 375 आया। इसी तरह 2 टू 50, माइनस 1800, तो आपका जो आंसर आया वो 450 आया। कितना आया? 450। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इस तरह 3 माइनस 2, ये कितना आया? 2880, माइनस 2250, तो आपका आया 630। इसी तरह 1200 माइनस 2250, माइनस 1500। इस तरह 4 माइनस 3, 2440, 2880, तो आपका जो आंसर है माइनस 480। इसी तरह 1000 माइनस 1200, तो आपका 200 आया। 4 माइनस 2, इसी तरह 2400 माइनस 2250, तो 150 आया। इज दैट क्लियर? अब इसी तरह 1000 माइनस 2250, तो माइनस 1250 आया। क्लियर? अब 2400, 4 माइनस 1, 2400 माइनस 2625, तो माइनस 225 आया। और 1000 माइनस 1800, तो आपका आया माइनस 800। क्लियर? लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं समझाने जा रहा हूं, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिफरेंस इन टॉपिक सेल्स वेरिएंस में याद रखना है। अब आप ध्यान रखो, माइनस 375, तो माइनस 375 प्लस 450, तो आपका जो आंसर है वो 75 पॉजिटिव आया, प्लस में आया। किस में आया? प्लस। यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी है, जो आंसर पॉजिटिव आए उसको नेगेटिव करना है। 75 मेरा पॉजिटिव आया तो उसको मैं नेगेटिव 75 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? नेगेटिव 75। इज दैट क्लियर? जो पॉजिटिव आए उसको नेगेटिव लेना है और जो नेगेटिव आए उसको पॉजिटिव लेना है। अब नेक्स्ट देखो, 630 प्लस 1050, वो भी माइनस में, तो माइनस 420 आया, लेकिन उसको पॉजिटिव लेना है। 420 क्या लेना है? 420 पॉजिटिव लेना है। इज दैट क्लियर? अब इसी तरह माइनस 480 है प्लस 200, वो भी माइनस में, तो माइनस 680 आया, लेकिन माइनस 680 नहीं लेना है, पॉजिटिव 680 लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव 680। इज दैट क्लियर? अब 150 प्लस 1250, वो माइनस में है, आपका आंसर आया माइनस में 1100, लेकिन आपको पॉजिटिव लेना है 1100। इज दैट क्लियर? माइनस लेना है वो प्लस में और प्लस वाला माइनस में। नेक्स्ट माइनस 225 प्लस 800, वो भी माइनस में, तो यहां पे माइनस में आ रहा है 1025, आपको पॉजिटिव में लेना है 1025। इज दैट क्लियर? जो माइनस में उसको अनफेवरेबल यूएफ लिखते हैं और पॉजिटिव में उसको एफ यानी कि फेवरेबल लिखते हैं। इज दैट क्लियर? इस तरह आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक ही चीज ध्यान रखनी है, सेम सम मटेरियल वेरिएंस वाला है, सिर्फ यहां पे चेंज हो रहा है, बाकी मेथड कट कॉपी पेस्ट। लेकिन एक चीज और, जो माइनस में है उसको प्लस लेना है और प्लस आए उसको माइनस में लेना है। इज दैट क्लियर? अब जो बच्चों मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक समरी नोट्स बना के दे देता हूं। अभी तक आपको अगर दो चैप्टर है आपके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2, ये दोनों में से आपको 14 में से 14 लाना है, तो मैंने टोटल तीन पार्ट समझाए। सबसे पहले मैंने समझाया मटेरियल वेरिएंस, जिसमें 14 में से 14 आ सकते हैं आपके, जो मैंने मटेरियल वेरिएंस पहले लेक्चर में समझा दिया था मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में पार्ट 1 में। क्लियर? फिर मैंने समझाया था फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस जिसमें 14 में से 14 आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगर फिक्स ओवरहेड वेरिएंस नहीं आया तो अभी मैंने समझाया सेल्स वेरिएंस, ये 14 मार्क का आ सकता है। इज दैट क्लियर? ये दोनों में से एक आएगा तो 14 मार्क का ये हो जाएगा और ये कंपलसरी 14 मार्क का आने वाला है, तो टोटल आपका 28 मार्क का जो है पूरा फंडा क्लियर हो सकता है। अगर आप मेरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 और 2 के सभी पार्ट मेरी ऐप में देख लो तो 20 out of 20। लेकिन सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है, आप मेरा जो वीडियो है पहले से देखिए तो ही समझ में आया। आप पहले पार्ट 2 देखेंगे फिर 1 देखेंगे, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।